नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश वर्मा और आइए अब रुख करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की ओर। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। इस दौरान सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2019 में 3 फरवरी तक देश में फ्लू के कुल 6,701 मामले सामने आए हैं, जिसमें अब तक 226 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। इसमें से ज्यादातर मौतें राजस्थान, गुजरात और पंजाब में हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही एक टीम रवाना कर चुका है और अब पंजाब और गुजरात के लिए भी टीम रवाना करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरक्षा के नाम पर मध्य प्रदेश में चल रही गुंडागर्दी के खिलाफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गुंडागर्दी मचाने वाले लोगों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार स्वयं गौरक्षा करने में सक्षम है और कांग्रेस के होते हुए प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर वसूली व गुंडागर्दी का खेल नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने आम जनता को जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी के पास गौ तस्करी या गौ वध की सूचना है तो वह जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को इस बात की जानकारी दे। हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज से प्रदेश की नए मार्गों पर वॉल्वो बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसमें इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर, पचमढ़ी समेत कई शहरों के मार्ग शामिल हैं। परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों तक वॉल्वो बसों का संचालन शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय से विकास खंड स्तर तक भी वॉल्वो बसें चलाई जाएंगी, जिसके चलते उनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कूल कॉलेज बसों में सुरक्षा बेहतर करने, ड्राइवर्स कंडक्टर्स को यूनिफॉर्म और सिलेबस में सुरक्षित परिवहन यातायात का अध्याय जोड़ने की पहल के बारे में भी बताया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय आज एक बार फिर पूछताछ करेगा। आपको बता दें कि कल इसी के चलते वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद आज उन्हें फिर बुलाया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि राजस्थान में वह 12 फरवरी को ईडी अधिकारियों के सामने एक अन्य मामले में भी पेश होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड पर। नमस्कार।